तराश कर जिंदगी को उन्होंने अपने कैनवस को रंगों से सजाया। कलाकार की भले ही सीमा होती है पर कला की नहीं, अंत में कलाकार ही कलाकार को छूने की कोशिश करता है। नमस्कार, मैं शालिनी शर्मा MR वीडियो टेक चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। तो आगे हम आपको ले चलते हैं ललित कला अकेडमी, जहाँ पर नेशनल कला मेला लगा हुआ है। चलो चलते हैं। राष्ट्रीय कला मेला 2020 का आयोजन ललित कला अकेडमी रविंदर भवन मंडी हाउस नई दिल्ली में 4 से 9 मार्च 2020 को किया गया। इस मेले में आए हुए छोटे बड़े आर्टिस्टों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इसमें कई आर्टिस्टों की खूबसूरत पेंटिंग्स देखने को मिली। इनकी पेंटिंग्स में महिलाओं की छवि को कलात्मकता से दर्शाया गया तथा नेचर के बारे में भी काफी अच्छी जानकारी मिली। चलिए जानते हैं शालिनी शर्मा की रिपोर्ट। चलिए मिलते हैं यहाँ पर आए हुए कुछ पेंटिंग आर्टिस्टों से और जानते हैं उनकी पेंटिंग के बारे में। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम श्रीकांत दुबे है। और आप ये कौन सी कला की पेंटिंग बनाते हैं? मैं एक्चुअल जो भी मेरी पेंटिंग है ये इंडियन मैथोलॉजी होती है, बट मॉडर्न लुक, सब इंडियन सब्जेक्ट होते हैं, इंडियन मैथोलॉजी लेकर के उसमें मॉडर्न लुक में करता हूँ, अपनी शैली में मैं काम करता हूँ जी। और ये आपको पेंटिंग बनाने की प्रेरणा कहाँ से मिली? नहीं, मैं बहुत पहले ही मतलब इस फील्ड में आ गया था पेंटिंग में। मैं लगभग 30 साल से काम कर रहा हूँ, फाइन आर्ट किया, मैंने BFA किया है, मास्टर डिग्री की है और उसके बाद एक अपनी शैली डेवलप करके और उसी के अंतर्गत मैं काम कर रहा हूँ। तो फिर कैसा लगता है आपको पेंटिंग बनाते हैं और बेचते हैं, या लोग कैसे अप्रिशिएट करते हैं आपको? नहीं, लोगों को अच्छा लगता है, एक नया कुछ अलग दिखता है, एक ही सब्जेक्ट एक ही है बट वो अलग टेक्निक में अलग शैली में बना हुआ है, लोगों को पसंद आता है, लोग अप्रिशिएट करते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है, नेचुरल अच्छा लगेगा ही। अच्छा, आप अपनी पेंटिंग को कैसे कैनवस पर उतारते हैं, क्या फीलिंग आती है जो आप कैनवस पर उतार देते हैं? कई बार समाज में बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत घटनाएँ हैं जो हमें प्रेरणा देती हैं, या बहुत सारी चीज़ें ऐसी आती हैं जो कुछ अलग हट के करने के लिए बोलते हैं। जैसे एज लाइक कारगिल का जो युद्ध हुआ था तो वो भी मेरे को वैसा लगा कि हमें कुछ करना चाहिए इस देश के लिए, का मैं भी भारतीय हूँ और मैंने एक पूरी सीरीज बनाई कारगिल के ऊपर जो बहुत पॉपुलर रही है, यहीं ललित कला एकेडमी में, बल्कि उसका शो भी हुआ था मेरा 2011 में, फिर इसको पैसिफिक मॉल में भी। तो इसी तरह बहुत सारी चीज़ें हैं जो अपने आप नेचर से, समाज से प्रेरणा के रूप में मिलती है और उसी से प्रभावित होकर के हम अपना काम करते हैं।
समाज से प्रेरित होकर भी आप पेंटिंग बनाते हैं, और वैसे भी मन में आपके कुछ विचार चलते हैं, जैसे कहते हैं कलाकार के मन में कुछ विचार चल रहे होते हैं तो वो अपने कैनवस पर उतारता है, क्या वाकई ऐसे होता है? ऐसा ही होता है, बस बात यह है कि हम अपने हिसाब से अपने शैली के अकॉर्डिंग बनाते हैं, बस अंतर यही है, कॉपी नहीं करते, कहीं से देख के नहीं बनाते, जो करते हैं अपना इमेजिनेशन होता है, सेल्फ इमेजिनेशन को ही हम ड्रा करते हैं और पेंट करते हैं। मेरा नाम पवन वर्मा शाहीन है। अपनी पेंटिंग के बारे में कुछ जानकारी दीजिए हमें। देखिए यहाँ पर चार पोर्ट्रेट लगी हुई हैं, ये एक साल का काम है, और ये जो पोर्ट्रेट्स हैं ये नेशनल हीरोज़ की सीरीज़ पर मेरा काम चल रहा है, और ये फाइनेस्ट वर्क इन ऑयल कलर है, इससे बेहतरीन मैं नहीं कर सकता। 35 साल का एक्सपीरियंस इस काम में लगा हुआ है। इसके अलावा यहाँ पर दो वाटर कलर लगे हुए हैं जो मॉन्यूमेंट की सीरीज़ है, और दो एक्रेलिक के कलर लगे हैं जो वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड है। तो मेरा उद्देश्य केवल यही है कि मैं जो जानता हूँ वो मैं करके दिखा सकूँ। यहाँ इनको बेचने का पर्पज़ नहीं है, केवल ये दिखाना है कि ऐसा काम भी होता है। आपने फिर ये पेंटिंग नॉट फॉर सेल में लगाई है, बस ये अपने कला को प्रदर्शन करने के लिए आपने ये जरिया बनाया है। ये जो काम लगे हैं यहाँ पर ये अभी नॉट फॉर सेल पर हैं, जब ये नेशनल हीरोज़ की सीरीज़ पूरी हो जाएगी उसके बाद इसका शो होगा तब देखेंगे। मेरा नाम यास्मीन सुल्ताना है, दिल्ली बेस्ड हूँ मैं, दिल्ली बेस्ड आर्टिस्ट हूँ। मैं कंचन प्रकाश दिल्ली से। और मैं अलका सिंह द्वारका दिल्ली। चलो इस पेंटिंग के बारे में आप हमें कुछ जानकारी देंगे, आप जानकारी दीजिए आप हमें। हाँ, हम लोग यहाँ पे तीन आर्टिस्ट हैं और तीनों का एक एक वॉल है हमारा, मेरा ये वाली वॉल है। तो मैं केव पेंटिंग्स पे काम करती हूँ, सीमेंट का ये वर्क है जो मोर्टर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में यूज़ होता है, ये वो मटेरियल बोर्ड कैनवस पे यूज़ किया है मैंने, सीमेंट पे है, हाँ बोर्ड कैनवस पे है। और इसमें मैं केव्स में जो बनी हुई हमारी पैलियोलिथिक एज की जो बनी हुई हैं वहाँ पर पेंटिंग्स, मैं उनको यहाँ पर कैनवस पर दिखाने के मैंने कोशिश की है। मैं फोक आर्ट करती हूँ, फोक आर्ट, हाँ मेरी ये पेंटिंग है, और ये सुजनी आर्ट है जो पुराने ज़माने में कपड़ों पे की जाती थी, मैं उसी कॉन्सेप्ट को लेकर के अपनी पेंटिंग में मैं अपने मोटिव्स बनाती हूँ। और मेरा मोर पंख का काम है, ये बेसिकली हमारी इसी में सीरीज चल रही है, तो मोर पंख का ही हमारा काम होता है, वही हम करते हैं। धन्यवाद, आपने इतनी जानकारी दी थी। बताना चाहूँगी मैं दो सीरीज़ एक साथ चल रही हैं, ये आज वुमेंस डे है तो मैं उस पर थोड़ा सा एक मैसेज देना चाहूँगी कि ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, और इसमें मैंने वर्ली आर्ट से इसको डिपेक्ट किया हुआ है, ये पूरा यूट्रस इसमें मैंने दिखाया है, और लाइफ को आने का किस तरह से यूट्रस है, और ये इसमें भी मैं सीरीज़ कर रही हूँ। नेक्स्ट पेंटिंग मेरी एडम एंड ईव पे है, तो इसमें ना सेलिब्रेशन, लाइफ के आने का सेलिब्रेशन पूरा दिखाया, और क्या प्रोसेस होता है, कैसे कैसे मतलब बेबी बनता है यूट्रस के अंदर, वो बनता है वो उसको दिखाने की मैंने अलग ही सलाह देख रही हूँ, मतलब ये किसी कोई सोच नहीं सकता है जी, मतलब उसको कैनवस में उतारा जाएगा। हाँ, कहने का मतलब ये है कि जिस तरह जैसे मतलब वुमेन का जो एक रिस्पेक्ट होनी चाहिए, वो एक ये एडिशनल हमारे पास ऑर्गन है जो मेन के पास नहीं है, तो वुमेन के पास होता है, इसकी वजह से औरत ऊपर तो है ही, जननी है, तो एक रिस्पेक्ट होनी चाहिए इस चीज़ की, इसको इतना लाइट नहीं डाले जिस तरह से एक मतलब गलत काम रेप और ये सब होते हैं, वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि सृष्टि का सृजन करने का पावर जो है वो औरत को है, औरत के पास है, औरत की इज्जत करनी चाहिए। सर आपका नाम क्या है? नमस्कार जी, मैं अजय जैन हूँ, और मैं 4-5 साल से पेंटिंग कर रहा हूँ। मेरे अलग अलग सीरीज़ हैं पेंटिंग्स में, कुछ डीप लाइफ इन डीप सी के बारे में हैं, और हाँ जी उनके क्रिएचर्स, उनकी लाइफ के बारे में कैसे वो, हाँ जी, और कुछ ह्यूमन इमोशंस के बारे में हैं, ये पेंटिंग्स हैं जिसमें ह्यूमन इमोशंस के बारे में कुछ अंदर डीप डिजायर्स लाइक
और पीछे भी पेंटिंग्स हैं, वो भी ह्यूमन नेचर के ऊपर बेस करते हैं, और बाकी नेचर के ऊपर हैं पेंटिंग्स, ये आपके पीछे लगी हुई हैं, ये ऑटम डिपिक्ट करते हैं इधर। हाँ, तो और बाकी आप बताइए कैसे आपको और जो पूछना है। इस पेंटिंग को बनाने की कहाँ से आपको प्रेरणा मिली? मुझे शुरू से कला से लगाव था, बाकी आफ्टर 55 मैंने स्टार्ट करी पेंटिंग करना, तो बाकी मैं सेल्फ थॉट आर्टिस्ट हूँ, तो अंदर से ये सब जो है जस्ट अंदर से ही जो दिमाग में था वो सब आपके सामने। तो बाकी मैं चरखा, हाँ ये जरवरदार चरखा है जो इस पर गांधी जी धागा काटते थे, सूत काट के धागा बनाते थे, तो इसको मैं बच्चों के लिए प्रमोट करना चाहता हूँ स्कूल और कॉलेज में, जिससे ये काफ़ी बच्चों के लिए कंसंट्रेशन के लिए बहुत अच्छी चीज़ है जो अब विलुप्त होती जा रही है एक तरीके से। बाकी अगर स्कूल कॉलेज में गवर्नमेंट इसको प्रमोट करे तो बच्चों को एक अलग प्रोजेक्ट मिलता है, कुछ क्रिएटिविटी बनेगी उनकी, तो मैं चाहूँगा गवर्नमेंट इसको प्रमोट करे चरखे को, ताकि आने वाली पीढ़ी को इसके बारे में पता चले। कहने का तात्पर्य कि चरखा आप इसलिए बना रहे हैं ताकि बच्चों को आगे आने वाली जनरेशन को पता चले चरखा क्या होता है, क्योंकि हम लोगों को तो मालूम है लेकिन आगे की जनरेशन को पता ही नहीं कि क्या चीज़ है, ये क्या चीज़ है पता ही नहीं लोग बागों को, तो उससे अगर स्कूल लेवल से बच्चों को शिक्षा दी जाएगी इसके बारे में तो काफ़ी अच्छा उनके लिए रहेगा बच्चों के लिए। मैं डॉक्टर सुष्मिता लाखियानी हूँ, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन से, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से, और यहाँ पर एज ए पार्टिसिपेंट हूँ आर्टिस्ट के तौर पे, और पेंटिंग्स जो हैं वो सारी सेलिब्रेशन ऑफ होप के ऊपर बेस्ड हैं कि आज के ज़माने में सबको होप चाहिए, और यही मुझे खुद को भी चाहिए थी, तो जो भी मेरी समझ है वही मैं अपनी पेंटिंग्स में दिखाती हूँ, और सारी जो वैल्यूज़ ऑफ लाइफ हैं उसके ऊपर बेस्ड हैं, जैसे डिटर्मिनेशन है और करेज, और ये सब जो चीज़ें हैं लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैंने जो हार्डवर्क और परसिवरेंस जिससे जो कन्वेंशनली बहुत नेगेटिव मानी जाती हैं, तो उसको मैंने बहुत पॉजिटिव तरीके से दिखाया है कि उसी में से ही कुछ बेहतर चीज़ें निकल कर आती हैं, तो जैसे ऑनेस्टी वहाँ से निकलती है और सक्सेस वहाँ से निकलती है, तो ऑयल ऑन कैनवस पे यही सब चीज़ें मैंने दिखाई हैं, नेगेटिव चेंजिंग इनटू पॉजिटिव, समाज में पॉजिटिव रिजल्ट आए लोगों का। ठीक है, और आपको यहाँ पे पेंटिंग लगाने का एग्जीबिशन का क्या एक्सपीरियंस रहा? यहाँ पे बहुत अच्छा रहा एग्जीबिशन एक्सपीरियंस, अच्छा है, बहुत सारे आर्टिस्ट मिले हैं हम आपस में, और इससे पहले भी इंटरनेशनल कला मेला हुआ था, ललित कला अकेडमी ने ही वो ऑर्गेनाइज करवाया था IGNCA के साथ मिल के, वो भी बहुत अच्छा रहा, और गवर्नमेंट की तरफ से ICCR की तरफ से मैंने सोलो शो किया तो बाहर भेजा गया मुझे, और वहाँ पे भी एक्सपीरियंस अच्छा रहा, तो ओवरऑल गवर्नमेंट इज़ टेकिंग लॉट ऑफ एफर्ट्स टू प्रमोट आर्ट, एंड वी रियली होप दैट आगे भी ऐसा ही चलेगा, और हम जो वैल्यूज़ सोसाइटी को देना चाहते हैं आर्टिस्ट के ऊपर एक जोर होना चाहिए कि वो क्या सोचते हैं, क्योंकि समाज में सभी लोग एक तरीके से एक बात को नहीं समझते, हर एक का समझने का तरीका अलग होता है, तो आर्टिस्ट बहुत सारे यहाँ पर आर्टिस्ट हैं जो वैल्यूज़ पर काम कर रहे हैं, और कोई हर कोई एक पॉजिटिव चीज़ को ही उजागर करना चाहता है, चाहे लव ऑफ़ नेचर है, तो मैंने अपनी पेंटिंग्स में नेचर के थ्रू वैल्यूज़ को प्रमोट किया है, और उसको देखकर कुछ पेंटिंग्स मेरी हॉस्पिटल्स में भी हैं जो इसी वजह से हैं क्योंकि वहाँ पे पेशेंट्स को होप चाहिए होती है, तो पेंटिंग्स उसी पे बेस्ड हैं, सो दैट इज़ वाई इट इज़ मोर लाइक्ड बाई पीपल, बिकॉज इट्स अ जनरल नीड ऑफ द सोसाइटी टुडे। इट्स वेरी नाइस। और सर आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम ललित पंत है और मैं ब्लैक एंड वाइट करता हूँ, ये वाले काम मेरे हैं। मैं जामिया के पास से पास आउट हूँ, लगभग पिछले 20-22 साल से एज अ प्रोफेशनली मैं काम कर रहा हूँ यहाँ पर। एकेडमी ने ये जो कला मेला ऑर्गेनाइज़ किया है ये काफ़ी अच्छा है आर्ट फ्रेटर्निटी के लिए। देखिए कितने सारे मोर देन 500 आर्टिस्ट यहाँ पर उन्होंने एसोसिएट किए हैं, एकोमोडेट किए हैं बल्कि, और यहाँ पर आर्ट लवर भी आ रहे हैं, आर्ट बायर्स भी आ रहे हैं, गैलरीज वाले भी आ रहे हैं, क्रिटिक्स भी आ रहे हैं, कई स्टूडेंट भी आ रहे हैं। ऐसी चीज़ों से आर्टिस्ट को और आर्ट स्टूडेंट को, बहुत लोगों को काफ़ी कुछ देखने को, सुनने को, सीखने को मौका मिलता है। मैं
ब्लैक एंड वाइट करता हूँ चारकोल में। ज़्यादातर काम मैंने चारकोल से ही किए हैं, ऑयल इंक ये भी किए हैं, बट चारकोल मैंने मेन काम किया है। मेरा टॉपिक नेचर रहा है। मेरा ऐसा मानना है कि नेचर से बड़ा इस संसार में कोई नहीं है। नेचर से बड़ी सुप्रीम पावर है नेचर, एक उससे बड़ा कुछ नहीं है। अगर हम नेचर से खिलवाड़ करते हैं तो नेचर अपनी ऐसी शक्ति दिखाता है, सारे धराशायी हो जाते हैं उसमें। कोई कुछ भी हो, उसके आगे कुछ नहीं है, ये मेरा मानना है जी। आपकी पेंटिंग में झलक ही रहा है। आप आपका नाम बताइए। नमस्कार सर, मेरा नाम माखन शाह है। मैं लास्ट 60 ईयर्स से मैं दिल्ली में हूँ, और ये बचपन का एक पैशन है जो मैं पेंटिंग करूँ। पहले मैंने एडवर्टाइजिंग एजेंसी में मैं आर्ट डायरेक्टर था। सो अभी एक कला मेला जो है, इसमें हम लोग पार्टिसिपेट करें, क्योंकि यहाँ ना बहुत आर्टिस्ट आते हैं, तो यंग जनरेशन भी आते हैं, एंड वैरायटी पेंटिंग देखने को भी मिलता है, और बहुत लोगों से इंटरेक्शन भी होता है। तो यंग जनरेशन ना, ये अच्छी बात है जो एक कला मेला में सब लोग मिल के जो पार्टिसिपेट किया, और देखने को जो लोग आए, बायर्स भी आ रहा है, सब कुछ उसमें वो है। मेरा जो पेंटिंग है, ये थीम है खाजुराहो और राजस्थान का, ये कंबाइन किया है जो है, एक स्टेनलेस जो सेंसलेस जो स्कल्पचर है, उसके साथ अगर आप प्यार करो तो वो इंटरेक्शन करना सोच, दैट इज़ ए पूरा जो इंटरप्रिटेशन वो है। दिस ऑल आर एक्रेलिक एंड एज वेल एज द ऑयल कलर पेस्ट ऑन दैट्स। एक्सपीरियंस रहा है एग्जीबिशन में? एक्सपीरियंस तो ठीक है, अभी अच्छा हुआ, बायर्स आ रहा है, लोग देख रहे हैं, इसका इंटरेक्शन वो है। मेरा नाम मांगे राम शर्मा है। और आप अपनी पेंटिंग के बारे में कुछ जानकारी हमें दे सकते हैं तो दे दीजिए। मैं 50 साल से काम कर रहा हूँ इस लाइन में। पहले मैंने मिनिएचर का शुरू किया था, जिसको 20 साल तक लगातार करता रहा। उसके बाद मैंने उसको कंटेम्प्रेरी आर्ट में थोड़ा थोड़ा बदलना शुरू किया, और आज उसी को कर रहा हूँ। मेरे सब्जेक्ट अध्यात्म से जुड़े हुए हैं, इसमें बुद्धा है, कृष्णा है, शिवा है, इन पे काफ़ी काम किया है। मिनीचर के टाइम पे जो मेरे सब्जेक्ट होते थे मुग़ल शैली, राजस्थानी शैली, पहाड़ी शैली, और ये मैंने अब 30 साल से मैं इसी काम को कर रहा हूँ। एक्सपीरियंस रहा आपको इस पेंटिंग या एग्जीबिशन का, कैसा एक्सपीरियंस रहा? कैसा एक्सपीरियंस रहा अच्छा है, और काम करने में लगे रहते हैं अपने, करीब 8-10 घंटे तो हम रोज़ काम करते हैं, और कभी मजबूरी हो, बिल्कुल टाइम ही नहीं मिले तो अलग बात है, नहीं तो 1-2 घंटा तो ज़रूर काम में काम होता है। तो अच्छा, मतलब एक हमारा कहते हैं समय का भी सदुपयोग होता है, और हमारा समय भी इसके हिसाब से बहुत अच्छा व्यतीत होता है। मेरा नाम विष्णु पवन आर्टिस्ट है, और जन्म से मेरा नाम धर्मचंद है, और मैं जो आर्ट वर्क पे जो काम करता हूँ उस पर विष्णु पवन लिखा होता है। आप अपनी पेंटिंग के बारे में कुछ जानकारी हमें दीजिए प्लीज़। और पेंटिंग के बारे में जानकारी मैं ये दे सकता हूँ कि मैं सभी मीडियम में वर्क करता हूँ। ऑयल पेंटिंग हुई, एक्रेलिक हुई, वाटर कलर हुआ, पोस्टर कलर हुआ, रियलिस्टिक हुआ, क्रिएटिव वर्क हुआ, सब। आपकी पेंटिंग में थोड़ा लेडीज़ को दर्शाया गया, थोड़ा इसमें ओपन पेंटिंग भी बनाई गई, तो किससे प्रेरणा लिया आपने? प्रेरणा तो ये मैं प्रकृति से लेता हूँ, जो नेचर ने बनाया हुआ है, हाँ उसको लेकर के मैं, और मेरा भाव न्यूड की तरफ नहीं होता है, उसकी एनाटॉमी पे होता है, तो उसको लेकर के मैं बनाता हूँ। पद्मी जी, आप अपनी पेंटिंग के बारे में कुछ जानकारी दीजिए हमें। मेरा जन्म वाराणसी में हुआ है, और शिक्षा भी वहीं मैंने ली, लेकिन मैं दिल्ली में पिछले 22-25 साल से हूँ, और ये मेरा प्रोफेशन है। आई एम अ फ्रीलांस आर्टिस्ट एंड डिज़ाइनर इन टेक्सटाइल। तो यहाँ पे जो भी काम लगे हुए हैं आप देख सकते हो, ड्राइंग्स हैं, वाटर कलर, फ्लावर्स हैं, और एक्रेलिक के आर्किटेक्चरल फॉर्म है,
एक्चुअली जब भी मैं अपना काम शोज़ में लगाती हूँ तो एक थीम बेस्ड होता है ये, क्योंकि आर्ट फेयर है तो इसमें मैंने थोड़े थोड़े अपने हर तरह के काम, अदरवाइज़ जब गैलरीज में शो करती हूँ चाहे ग्रुप में या सोलो, तो एक थीम बेस्ड, तो पहले मैं इन्वायरमेंट को लेके नेचर को लेके बहुत ज़्यादा होती, तो उससे मेरे लैंडस्केप थे। अब कुछ सालों से मैं सिटीस्केप्स कर रही हूँ, तो ये सारे काम जो आप देख रहे हैं इसमें बनारस का भी, अब मैं बनारस को भी बना रही हूँ क्योंकि मेरा सब्जेक्ट भी है सिटीस्केप। यहाँ आप देखेंगे लखनऊ है, एक बार आपकी पेंटिंग में बनारस और ये कौन सा, ये हरिद्वार और इसमें सारनाथ भी दिख रहा है। बनारस सिर्फ घाट तक नहीं है, बनारस में बहुत कुछ देखने के लिए है टेम्पल्स के अलावा, वो बुद्ध की नगरी भी रही है और भी ये चूक अपने जो यूनिवर्सिटी है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वो भी अपने आप में बहुत खूबसूरत वो रही है, तो कई चीज़ें हैं वहाँ उनको देखने के लिए। और जैसे जैसे मतलब मेरा ड्राइंग में भी काफ़ी आप देखेंगे तो डिटेल वर्क है, काफ़ी डिटेल मैं काम करती हूँ डिटेल्स में, चाहे ड्राइंग है या पेंटिंग है और वाटर कलर फ्लावर्स भी, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि मैं नेचर को अदरवाइज भी बहुत लाइक करती हूँ, तो फ्लावर्स पे भी मैंने बहुत सारी मेरे वर्क रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने सब में से थोड़ा थोड़ा जो है कुछ दिखाने के लिए सबको, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि आपको एज एन आर्टिस्ट बहुत सारे लोग जानते हैं बट काम देखा नहीं होता है, और कहीं ने काम देखा होता है मगर आपको नहीं, तो यहाँ पे दोनों चीज़ है कि लोग काम भी देख रहे हैं और मुझे भी देख रहे हैं तो रिलेट कर पाएंगे कि मैं किस तरह का काम कर रही हूँ, कौन कौन से सब्जेक्ट्स मैंने किए हैं। तो उम्मीद करती हूँ जो भी लोग आए वो उसको पसंद भी करें और आके कह भी रहे हैं उनको अच्छी लग रही है ड्राइंग्स, काफ़ी उसकी वो करके जा रहे हैं, तो एक अच्छा मनोबल मिलता है, हाँ आगे काम करने के लिए उत्साह भी होता है। तो और मैं पिछले 25 साल से इस प्रोफेशन में हूँ और यहाँ पे जो लगा हुआ है यहाँ पे मुझे एक और भी अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ पे पूरे इंडिया से हर अलग अलग स्टेट से आर्टिस्ट आए हुए हैं, तो उनका काम भी और वो लोग सब लोग किस मीडियम में काम कर रहे हैं, किस किस तरह के काम कर रहे हैं, तो ये देखने का भी है, तो एक डिफरेंट एक्सपीरियंस है, एक्सपोजर भी है एक्सपीरियंस भी है, आप लर्न करते हो। और वो लोगों की भी ये है कि वो मुझसे मिल रहे हैं तो कभी कुछ प्रोग्राम दूसरे स्टेज में होता है तो हम एक दूसरे को जान रहे हैं, तो वो कभी अपने किसी वर्कशॉप कैंप में मुझे बुला सकते हैं और मैं भी उनको सम्मिलित कर सकती हूँ अपने किसी प्रोग्राम में, तो ये बहुत अच्छी बात है यहाँ पे। मेरा नाम नीलम धर है। और आप अपने ये पेंटिंग के बारे में कुछ हमें जानकारी दीजिए। एक्चुअली मैं कब से पेंट कर रही हूँ, मुझे लगता है कि पेंटिंग कुछ ऐसी चीज़ नहीं है जिसको आप अचानक सोचते हो, यू आर बॉर्न विद दैट, आपको यू नो स्किल्स शुरू से ही मिलते हैं, तो आप कहीं ना कहीं पेंट कर रहे होते हैं, कहीं ना कहीं ड्राइंग कर रहे होते हैं, तो वही आप धीरे धीरे डेवलप करते हैं। और जहाँ तक पेंटिंग का सवाल है, सब्जेक्ट्स का सवाल है, पेंटिंग का यू नो उसमें मैंने नोट किया है कि मैं ना जनरली जो यू नो इंस्पायर होती है वो फीमेल फिगर से, यू नो हेड टू टो मुझे वो ज़्यादा बहुत ज़्यादा इंस्पायर करता है, मुझे कभी यू नो मेल फिगर कभी इंस्पायर नहीं किया और मैं उसको ही बनाती थी। बस विद टाइम जब कुछ साल आप ये काम करते रहते हो आप ग्रो करते हो तो आपको लगता है कुछ और भी आगे होना चाहिए, तो फिर मैंने एब्स्ट्रैक्ट लिया और उसके बाद सेमी एब्स्ट्रैक्ट लिया और इस तरह से धीरे धीरे जर्नी मेरी यहाँ तक पहुँची। आज जो मैंने अभी डिस्प्ले किया है वो सेमी एब्स्ट्रैक्ट और एब्स्ट्रैक्ट है। पेंटिंग में आप मतलब मेल को लेकर नहीं फीमेल को लेकर ज़्यादा इंस्पायर हुए? एक्चुअली है वो कभी प्लान करके नहीं हुआ, मुझे लगा कि वो अट्रैक्ट नहीं करता मेरे को, बिकॉज फीमेल के अंदर बहुत वर्सटैलिटी है, आप उसको बहुत तरीके से प्रेजेंट कर सकते हो, यू नो बहुत सारे इमोशंस बहुत सारे मूड्स उसके कैप्चर कर सकते हो और बहुत ही खूबसूरत तरीके से उसको प्रेजेंट कर सकते हो। कुदरत ही मेरे अंदर था कि मैं एक फ़ीमेल बना, उन मैंने बहुत टाइम के बाद नोट भी किया कि जब भी मैंने पेंट किया मैंने हमेशा फ़ीमेल ही पेंट की, लेकिन ये बात सच है कि वो मुझे अट्रैक्ट करती है, पर विद टाइम थोड़ा सा यू नो जब आप ग्रो करते हो मैच्योर हो जाते हो तो आपको समझ में आता है कि आप कुछ और भी करना है, खाली फीमेल फिगर या कोई फिगरेटिव वर्क ही नहीं होता काफ़ी, तो उसी का एक्सटेंशन है मेरा सेमी एब्स्ट्रैक्ट और फिर एब्स्ट्रैक्ट ऑफ कोर्स जो दोनों डिस्प्ले हैं यहाँ पर।
जहाँ तक मेरा ख्याल है, हम जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है, आर्टिस्ट आप अचानक नहीं बन सकते। आर्टिस्ट यू आर बॉर्न विद दैट स्किल्स, आपके अंदर वो आर्ट होता है। आप क्योंकि आप जब छोटे होते हो, आप नेचुरली जब आपके यू नो जेनेटिकली आप ब्लेस्ड होते हो स्किल के साथ, तो आप कुछ ना कुछ यू नो पेंट कर रहे होते हैं, ड्राइंग कर रहे होते हैं, कभी फ्लोर पे, कभी स्लेट पे, कभी कॉपी पे, कभी वॉल पे। तो वो फिर उस वक्त तो पता नहीं होता है, उस वक्त लगता है कि हमें शौक है, लेकिन धीरे धीरे जब आप ग्रो हो जाते हैं, आपको समझ आती है, तो आपको अब अचानक ही उसी तरफ चले जाते हो, क्योंकि आपके अंदर नेचुरली स्किल्स होते हैं। तो फिर उसको डेवलप करने के लिए जब आपको एजुकेशन, आप अगर खुद से भी आर्टिस्ट बनना चाहते हो, तो मुझे लगता है कि एक्सपीरियंस करने के लिए, एक्सपेरिमेंटल के लिए भी आपके पास बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। वो नॉलेज आती है एजुकेशन से, तो एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैंने 1.5-2 साल बहुत स्टडी की अंडर द मास्टर गाइडेंस ऑफ द मास्टर्स लाइक रामेश्वर बुरुटा हैं, एक सुमानव सेठ थे, कॉलेज ऑफ आर्ट में भी मैं 1 साल रही हूँ 1999-2000 में। और उसके बाद जब बेस पता चला, बेसिक यू नो फैक्ट्स पता चले, तो उसको माइंड में रख के फिर मैंने सेल्फ टॉट, मैक्सिमम सेल्फ टॉट ही ट्रेनिंग ली। और बस उसके बाद फिर धीरे धीरे आप ग्रो करते हो, तो आपके यू नो स्टाइल बन जाती है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब बिना स्टाइल के आपका कोई आप नयापन लाते हो, वो आपको औरों से अलग करता है। तो बस ऐसे धीरे धीरे, बट हाँ नटशेल ये है कि आप अचानक से नहीं बन सकते आर्टिस्ट, वो आप पैदा होते हो वो स्किल्स, वो जर्म्स लेकर। एक्चुअली मैंने MA किया हुआ है ड्राइंग एंड पेंटिंग में, और बचपन से ही ड्राइंग सब्जेक्ट मेरे साथ हमेशा रहा, और 35 ईयर्स हो गए मैं लगातार इस क्षेत्र में काम करती आ रही हूँ। और मैं ऑयल और एक्रेलिक दोनों तरीके के, ऑयल और एक्रेलिक दोनों तरीके के रंगों को यूज़ करती हूँ कैनवस के ऊपर, और एब्स्ट्रैक्ट और सेमी एब्स्ट्रैक्ट दोनों तरीके के काम मैं करती हूँ। ये मैंने गणेशा बनाए हुए हैं जो ऑयल ऑन कैनवस हैं, और ये राजस्थानी पेंटिंग है जो एक्रेलिक ऑन कैनवस है। और इससे पहले मैंने पंजाब में एक सोलो शो किया है जो कि पृथ्वी पे ग्रीनरी लगाइए और अर्थ को बचाइए, इस पे थीम था। और एक जहांगीर आर्ट गैलरी में किया है मैंने सोलो शो, जो कि मोबाइल के ओवर यूज़ से पड़ने वाले हानिकारक प्रभावों को, हमारे मन मस्तिष्क पे जो हानिकारक प्रभाव पड़ रहे हैं उसको अपने ये इस तरीके की कुछ पेंटिंग्स बना के इस थीम को रख के मैंने सोलो शो किया था जी। मोबाइल का इस्तेमाल बच्चे यूज़ कर रहे, तो बच्चे बड़ी सब। और पेंटिंग वेंटिंग में आपने डिनाई करा इस चीज़ को कि क्यों ज़्यादा मोबाइल के क्या हार्म हो रहे हैं, अगर मतलब इसको कंट्रोल नहीं किया अपने तो पेंटिंग के क्या चीज़ का रूप ले सकती है। तो ऊपर वो दिखाया है, मतलब ये हानिकारक कलर, दोनों डेंजर के कलर, पॉइजन और रेड कलर, डेंजर के कलर यूज़ करके इस चीज़ को दिखाने की कोशिश की है। कितना हार्म है इससे हमारे जीवन में। धन्यवाद मैम, आपने इतना अच्छा जानकारी हमें दी पेंटिंग के बारे में, और समाज पे काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट इस पेंटिंग का आएगा। और ये वाली है वो अर्थ के लिए ग्रीनरी लगाएं, अर्थ पर ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीनरी लगाएं जी। ये है जैसे मदर नेचर बैठी हुई है, जैसे एक माँ अपने बच्चे से नाराज़गी की अवस्था में मुँह फेर लेती है, ऐसे ही मदर अर्थ ने मुँह फेरा हुआ है हमारे से। वो इसलिए कि पृथ्वी पे ग्रीनरी बहुत कम है, और ये हाथ में मैंने सिर्फ ग्रीन कलर यूज़ किया है, तो कंधे पर हाथ या तो किसी मित्र का होता है या सहयोगी का होता है, और पृथ्वी का मित्र और सहयोगी दोनों सिर्फ ग्रीनरी है। तो ये मदर अर्थ, और ये मदर अर्थ का ही दूसरा हाथ है, जिसका मतलब है ये संदेश वो खुद दे रही हैं, और वो ये कह रही हैं कि मैं तुमसे नाराज हूँ, अगर मेरी नाराज़गी को दूर करना है तो पृथ्वी पे अधिक से अधिक ग्रीनरी लगाएं, और पेड़ लगाएं और पृथ्वी को बचाएं। यस यस, बहुत अच्छा आपने जी जी ये बहुत अच्छा आपने पेंटिंग में डिनाई करा है कि हाँ ग्रीनरी होनी चाहिए पृथ्वी पे, क्योंकि पृथ्वी में ज़्यादातर लोग घर बना रहे हैं और पेड़ ख़त्म हो रहे हैं। तो धन्यवाद ये आपकी अच्छी जानकारी। थैंक यू मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। आप, मैं आशिमा मेहरोत्रा, आप अपनी पेंटिंग के बारे में कुछ बताइए, हमें जानकारी दीजिए जो हम अपने चैनल में दिखाएंगे। मैं एक सिविल सर्वेंट भी हूँ, एक आर्टिस्ट हूँ पैशन से और प्रोफेशन से सिविल सर्वेंट हूँ। मैंने रेलवेज़ और मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म में काम किया है 20 साल, और मेरे जॉब जो है मुझे इंडिया के अलग अलग जगहों पे लेके गई है, वहाँ पे अलग अलग व्यक्तियों से मिलने का अवसर मिला है, और उन फेसेट्स को मैंने अपनी पेंटिंग्स में उभारा है। मैं इंडिया के बड़े पेंटर्स जैसे नंदलाल बोस, अमृता शेरगिल, और बाहर फ्रेंच और इम्प्रेशनिस्ट पेंटर्स वैन
गॉ, मोने, इन सबसे प्रभावित रही हूँ, तो मेरी पेंटिंग में आपको उन सबका इन्फ्लुएंस दिखेगा। थैंक यू। और आप देख सकते हैं, जैसे ये है, मैं लैंडस्केप्स हैं जिसमें वैन गॉग के टाइप के स्ट्रोक्स हैं, और यहाँ पे मैंने लद्दाख का और हाँ उसके बारे में दिखा रही हूँ मैं। लद्दाख के तीन टेरेन्स हैं आप जो देखेंगे, जो डिफरेंट ह्यूज हैं लद्दाख के, वो दिखाए गए हैं इसमें। ये भी लद्दाख है, ये भी लद्दाख है, वो भी लद्दाख है। और इस तरफ से आप अगर देखेंगे तो ये मैं फिगरेटिव आर्ट दिखा रही हूँ। इसमें एक व्यक्ति की दिखाई जा रही है मनोस्थिति, जिसमें हाँ जिसमें आपको वो जो गोल गोल सा दिख रहा है वो है कि जो हमारे आसपास एक केओस में है, और वो आदमी जो शांत बैठा है एक स्थल उसके पानी के आगे, वो है जो हम स्ट्राइव करते हैं, हम एक पीस को पाने की कोशिश करते हैं, तो वो मेरी एक पेंटिंग में दिखाया गया। दूसरा, ये हम वुमेन्स डे की बात कर रहे हैं तो पेंटिंग पीस को दर्शा रही है। अच्छा, पीस क्यों उसको? दोनों वर्ड्स को दिखा रही है जी। और ये जो है, आज हम वुमेन डे की बात कर रहे हैं तो ये हैं हमारे जो गांव की महिलाएं, बच्चे, जैसे वो हर एज ग्रुप की अलग अलग काम करती हैं, साथ में मिलके कम्युनिटी शेयरिंग है। और इमली यहाँ पे वो सॉर्ट कर रही हूँ, ये बस्तर की महिलाओं का है, और ये आज के हमारे बच्चों का, कि जैसे तीनों तरह की चीज़ें हैं, कोई बुक में लीन है, कोई मोबाइल में, और कोई इन दोनों से तीन लोगों के बीच में बैठा हुआ बोर हो रहा है। तो ये मैंने अपना अलग अलग व्यक्तित्व दिखाए हैं। और यहाँ पे गांधी जी हैं जो बिल्कुल हंसते हुए दिखाए गए हैं। आजकल हम गांधी को बहुत अभी तक सोबर और सॉम्बर उसमें दिखाया है, तो ये मैंने गांधी को हंसाते हुए दिखाया है, और इसको बहुत लाइक किया जा रहा है। तो हाँ, क्योंकि गांधी की जब भी पेंटिंग हम देते हैं हमें सैडनेस दिखाई देती है उसमें, ये पहली बार हंसते हुए दिख रही है, और काफ़ी अच्छी पेंटिंग से आपके नॉलेज मिला। बहुत थैंक यू।